अहमद अहमद बच्चे तू इन सवेरे गुरुद्वारे में कैसे? मैं जानती थी आप दोनों इस टाइम पे मुझे यहीं पे मिलोगे। कैसा मेरा पुत्र? कितना मजा आ रहा होगा ना तुम्हें अपने प्रेमी और अपने पति को एक साथ देखकर। ओए क्या बात है पुत्र? बोलना सब ठीक तो है? वहां बैठ। नमन बच्चे बता रहा क्या बात है? मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है बच्चे। तू ऐसे? कुछ भी बात नहीं है नानी, सब ठीक है। बस आज आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, मम्मा पापा की याद आ रही थी, तो दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था। पर अब आप दोनों से मिल ली ना, अब सब सही है। को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है बाबा जी, प्लीज मुझे शक्ति दो। दिल में इतना कुछ है पर मैं नानू नानी को कुछ नहीं बता सकती, नहीं बता सकती नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। भरजाई जी आपको ना कुछ बताना था मैंने। क्या? रात को अद्वैत फिर घर इतनी देर से आया फुल टल्ली, उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था, एकदम ढिंढा हुआ। क्या क्या अरमान थे मेरे अपने बेटे के लिए, दिल रोता है मेरा। इसमें हमारे अद्वैत बिचारी की क्या गलती है? दर्द में मर्द घर से बाहर ही प्यार और सुकून ढूंढता है। नीरू सच कह रही हो प्रजाई जी, ऐसी शादियों में आदमी घर वाली से नहीं बाहर वाली के पास जाते हैं। इसमें हमारे अद्वैत बिचारी की कोई गलती नहीं है। जब उसकी वो टी ने प्यार की पिंगी बाहर डाल बैठी है तो वो भी तो कहीं और मुंह मारेगा, किसी और के पीछे जाएगा कि नहीं, बताओ। ये लो ब्लैक कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लॉन्ड्री के कपड़े दे दीजिए। हाँ आ जाओ उठा लो। नेमत ने अपने मुंह से मुझसे कुछ ना कहा, पर जिस तरह से वो बच्ची मेरे गले लगी है ना, ऐसा लग रहा था उसके दिल में बहुत कुछ है जो मुझसे कहना चाह रही, पर वो कह नहीं पाई। वो शादी में खुश नहीं है जी, वो शादी में खुश नहीं है, बस इस शादी को निभा रही है। हमारे देश की बेटियों की ना यही खूबी है सत्य, मां पे उन्हें ब्याह करा दिया और फिर उसे निभाने के लिए ना वो किसी भी हद तक चली जाती है। भले ही अंदर से रो रही हो लेकिन अपने पेके वालों से हमेशा हंस के मिलेगी, ताकि उनका दिल ना दुखे। हमारी नेमत भी यही कर रही है सत्य। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी हंसती खेलती बच्ची एक दिन ऐसे चुप हो जाएगी। हमारी नेमत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं है। इसे भी धो देती हूँ, तुम उसे ले जाओ।
ये रहने दो। ये शेड तो दीदी लगाती नहीं है, पुआ को बताती हूँ। क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती हो? आज शहीद भगत सिंह ऑडिटोरियम में एक इवेंट है, तुम भी चल रही हो मेरे साथ, मिसेस अद्वैत कपूर बन। रेड लिपस्टिक थी और नेहमत दीदी ने तो कल ब्राउन लिपस्टिक लगाई थी, फिर वो तो बता ही नहीं रही थी। अच्छा, सारा कुछ पता करके मुझे रिपोर्ट देती रहना, ठीक है? पेरी पोनम बुआ जी, पेरी पोनम मम्मा जी। अद्वित रात को कितने बजे आया था? 1:30 बजे। अरे अभी तो नई नई शादी हुई है, फिर भी इतना लेट, वो क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उनकी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग बेटे। नाज तेरी छोटी बहन है ना, पर जिंदगी का सबसे टेढ़ा गणित और शादी का असली फॉर्मूला ना इसने सीखा है। अपने पति को अपनी खूबसूरत अदाओं से कैसे रिझाते हैं, खुश रखते हैं, इससे सीख। खैर छोड़ो, चन्नू चाहिए मीडिया की अटेंशन और नुकी अपने पति की टेंशन। देखो नहीं, अद्वित के पापा तुम्हारे सोशल वर्क से बहुत खुश हैं, पर एक वाइफ की असली कामयाबी तब होती है जब उसका हस्बैंड उससे खुश हो। अब तुम्हारी शादी जो भी सर्कमस्टेंसेस में हुई है, रिश्ता जैसे भी जुड़ा है, इसे संभालना, सजाना और सवारना तुम पर है। लोगों का दिल बाद में जीतो, पहले अपने पति के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। अब इसके लिए जो भी तुम्हें करना पड़े तुम करो, पर अद्वित को इतना मजबूर मत करो कि वो किसी और के दिल में जाके जगह बना ले। रह गए मेरे हीरो, आओ ना प्लीज। ये गाड़ी पंचर तुमने की है? देखो मिस। मिस नहीं, हार्डली यार, मेरा नाम ना इतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्रोनाउंस इट वन, हार्डली। हार्डली हो गया तुम्हारा? मुझे तुम्हारी ये बचकानी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमने मुझे थैंक यू बोला, हो गया। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे बार बार इस तरह से आकर परेशान मत करो। जैसे मैं खा रही हूँ ऐसी लंबी सांस लो, पूरा पराठा फिनिश कर दो। कमन कमन कमन, एक मिनट, देखो तुम। तुम क्या? तुम क्या? अरे तुम ना तो डिनर टाइम पे करते हो, ना ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हो। यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एट ऑल। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है, पुलिस ऑफिसर है यमराज के पीए, हेवन टू हेल, हेल टू हेवन, हेवन टू हेल, हेल टू हेल, ये चलता रहता है तुम्हारा तो। अरे थोड़ा ध्यान रखो, ना खाओ फिर जाओ।
बस तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। पुलिस की नौकरी है, ड्यूटी करनी होती है, ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे आराम से मेरा काम करना। What do you mean by that? I'm not your duty? मैं तुम्हारी ड्यूटी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे इंडिया में जो गेस्ट आया है तुम्हें उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, पिंड घुमाना चाहिए, इवन खेत दिखाना चाहिए। I love खेत। चले फिर। कहाँ? खेत। मुझे अपने काम पर जाना, प्लीज मुझे अपना काम करने दो और पीछा तो बिल्कुल मत कर, ठीक है? अब तुम अपनी ड्यूटी से मेरे एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते? What's the big deal in that? अरे चलो ना घूमने चलते, खेत देखने चलते। और तुम्हें पता है मुझे ना आज बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस करना जैसे उस मूवी में होता है ना, Which movie is that? और वो जिसमें शाहरुख खान होता है, शाहरुख खान खेतों में होता है और उसकी बाहों में होती है काजोल। क्या मूवी? DDLJ तुम्हारे लिए और DDLJ के लिए मेरा एक सजेशन है। हाँ। एक काम करो, घर पे जाओ या जहाँ भी तुम रहती हो वहाँ जाओ, DDLJ देखो, आंखें बंद करो, शाहरुख खान और काजोल के साथ खेत घूम लो, ठीक है? अरे ले खल। हे, अरे लिसन। कोई बात नहीं मिस्टर एकम रंधावा, हरलीन से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर सर, हर कोई जानता है आपके और मैम की शादी एक ऑन द स्पॉट इवेंट थी, फिर भी आप दोनों की केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग है। सब कहते हैं यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो। देखिए अद्वैत कपूर कोई भी काम इम्परफेक्ट नहीं करता, फिर लाइफ हो या पॉलिटिक्स, हर मोर्चे को अच्छे से संभालना आता है मुझे। सर जनता जानना चाहती है क्या नेमत जी वही है जिसके आप सपने देखा करते थे? डैड, हाँ ये मेरे डैड की पसंद है। डैड के फैसलों की इज्जत करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आफ्टर ऑल पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही तो हम सबके सपने पूरे होते हैं, राइट? मैम आप बताइए, हर लड़की अपने सपने में अपने राजकुमार को देखती है, क्या अद्वैत जी आपके सपनों के राजकुमार जैसे हैं? इन्हें मेरे लिए रब ने पसंद किया है और रब की पसंद इंसान की पसंद और सोच से बहुत ऊपर होती है। वैसे भी मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहने वाली लड़की हूँ, तो सपनों के आसमानों में उड़ना मुझे नहीं आता। ये कपूर ख़ानदान के आइडियल बेटे हैं और मैं इनकी वाइफ, और कपूर ख़ानदान की बहू होना अपने आप में एक सपना सच होने जैसा है। लड़की जब तक अद्वैत के साथ है ना, अद्वैत कोई गलती कर ही नहीं सकता है। रब की मेहर है कि इसको अपने घर की बहू बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की। इन दोनों बाप बेटों की पॉलिटिकल ख्वाहिश में ये मासूम बच्ची फिस रही है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन, सर आप हनीमून पे नहीं गए? इतना बड़ा बेड है, साथ में सो जाते हैं तीनों। अद्वैत मैम एक और पर्सनल सवाल। मैम नहीं, थैंक यू सो मच। मैम प्लीज प्लीज थैंक यू। आप समझ रहे हैं वो मना कर रही हैं, दूर रहिए। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरी वाइफ के नहीं। जाओ बाहर जाकर मेरी फाइल लेकर आओ। लेकिन ये इट्स एन ऑर्डर। Cool.
एक्सक्यूज मी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो यू गाइस कैरी ऑन। यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो अद्वैत ने मुझे फाइल लाने के लिए बोला था, मैं वही लेने आया था। पर अद्वैत तो चला गया, आई गेस तुम्हें भी उसके पीछे जाना चाहिए। कैसे जाता वो? चला गया अचानक से। एनीवे, एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ तुम, आ जाओ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मोगा कौन सा अनजान शहर है मेरे लिए, आप प्लीज जाओ। शहर अनजान नहीं है तो मैं भी अनजान नहीं हूँ। यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा और ना ही घर तक पहुँचने का कोई और। एनीवे, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं कैब बुक कर लूँगी। मैं बोल रहा हूँ अहमद, यहाँ से कैब नहीं मिलेगी, मैं छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। मधुमक्खी को देख के कोई ऐसे चिल्लाता है? हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। अगर ये तुझे पता मुझे कितना डर लगता है, अगर ये मुझे काट गई ना तो मैंने मर जाना है। मधुमक्खी काट लेगी मैं मर जाऊंगी। मधुमक्खी काटने से कोई मरता है क्या? एकदम बचपन वाली हरकत की तूने, याद है बचपन में हम दोनों खेल रहे थे, अचानक से तूने वो मधुमक्खी के छत्ते में कंकड़ मार दिया, फिर सारी मधुमक्खियां तेरे पीछे आगे आगे, तू भाग रही थी पीछे पीछे मैं भाग रहा था। एकम मुझे बचा, एकम मुझे बचा। स्कूटर के पीछे जाके छुप गई थी और मैं स्कूटर के आगे, एक भी मधुमक्खी ने मुझ पर रहम नहीं किया। उस दिन से लेके आज तक मुझे मधुमक्खियों से ना अजीब सा ही डर लगता है, बहुत डर लगता है। ठीक है ना, मुझे काट जाएगी, तुझे नहीं काटनी चाहिए। पहले कभी तुझे कुछ होने दिया जो अब होने दूंगा? होगा कभी ऐसा, क्या थी खबर, खुशियों को किसकी लगी है नजर।